भाई साहब मांगे इनका स्वागत करने के लिए आ रहे हैं हमारे धन सिंह जी बुजुर्ग भाई बुजुर्गी करेंगे अब मारे मांगे का तो भाई जवान तो कौन करे है और स्वागत के काबिल भी हैं स्वागत के लायक भी है जय हो जय हो कोई शक नहीं हाँ ऐसों का स्वागत होना भी चाहिए भारत भूमि के सच्चे सपूत हैं लोगों मार लेकिन फिर सुनी कौन है वापस चित्तौड़ में गए कौन है चित्तौड़ में गए कौन है से यारे चित्तौड़ है जीव जाले और जिसी अपनी प्रेम भाव की बात हो जाती है तो वहां सब कुछ होता है जय हो जय हो क्या कहने क्या कहने क्या कहने येरी प्रेम भाई नीचे हैं पन्नी में कोई बात नहीं है जी सर जय हो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद सर बहुत धन्यवाद जय हो जय हो और नुकर था विक्रम किरी मत चोर दिखू और दिखू हूं अरे एक बात के द्वारा हमारे बड़े भाई साहब मांगी क्या बात ये ऐसा हरियाणा की सच्ची संस्कृति देखिए क्या मतलब था इनका रागनी गाने का है लेकिन लोगों समय की कुछ ऐसी मार आ गई ऐसी पवित्र जाति ऐसी मेहनती जाति हिंदुस्तान में कोई और नहीं थी जो जिसको लोग लुहार कहते हैं जय हो लेकिन आज ये विज्ञान का जमाना जमींदार की सारी चीज रेडीमेड बने हैं और ये लोग बेरोजगार हो गए वो रोजगार भी मालिक ने खोस लिया कोई बात नहीं ये लुहार बड़े होशियार ना मर्दाने मर्द बनावे घड़ घड़ दे हथियार शाबाश ये वो है कल का जो प्रोग्राम होगा जाट महाराज नाहर सिंह का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे अमित मलिक और आशीष बड़ौदा से उनके मुख से हाँ जी गाने का बल तो है नहीं पर सभी को मेरे भाइयों को बुजुर्गों को माता और बहनों को सभी से हाथ जोड़ के नमस्कार है कि साम मेरे दान संघ प्रेमी सभी ने मिलकर मेरी जान बचाई है और मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा जीव तक जब तक नहीं भूलूंगा कि दोबारा जन्म दिवाया कहीं भर्ती करने कहीं मदद पहुंचानी और सभी ने मदद करके ये दोबारा जन्म करवाया है एक बार थालियां भाई बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद देखो साहब गाने काबिल तो है नहीं पर हमारे प्रेमी कि देखो ऐसा है ब्रिग से ब्रिग मिल जाता है तो वहां से डूबते हुए को भी सहारा देते हैं कि क्योंकि अपनाद क्या बात है अपनाद मान के सहारा देते हैं कोई गैरनगी करता है तो ये तो मैं तो खुद पे खुद गिरा हुआ हूं मुझे जानते ही नहीं क्या है जो जो और क्या बताया भाई साहब के खाड़े में और सांग में बहुत अच्छा तूफान ले रहा है आप भी तूफान है और साजन भी तूफान है जो इस बात को हम धन्यवाद करते हैं पर देखो तुम सभी कहने लगे तो एक आधी बात जो गई जाएगी और मेरे साजन दे गवाओगे तो गवा दूंगा नहीं तो बैठ जाऊंगा और क्या करूं जो जो अरे साहब गवाएंगे क्यों नहीं गवाएंगे कोशिश करेंगे आपके साथ लगने की सरस्वती हो और मन सुमर लिए भगवान बनवारी संग गुरुदेव मेरे
दो दिन के रह चरणों में ध्यान। तो चोपड़े सार खेलने के लिए हमारे दान सिंह ने बहुत अच्छा ये खिस्सा ठा रखा। चोपड़े सार खेलते देख लेता है विक्रमा, और इसको विक्रमा को हाथ पकड़ कर बाहर निकालती है। जब भी नहीं मानता गया क्या बात है कि जा तू पढ़ने को चला जा। ये हमारे भाई ने, हमारे बड़े भाई ने और सभी साधनों ने ये बताया है, पर फर्ज माड़ा सा माल भी पड़ा था। हो और तू के करी तुके करी से एरा फेरी, तुके करी से एरा फेरी लगा एरा चोरी की तरिया। हाँ हाँ थे तेरा बेकर्म देवर बबी और की तरिया हेरा फेरी करी बबी और चोर की तरिया देव रदी कैसे और की तरिया। कली नंबर पहले में क्या बताया और क्या समझाया? मना करा एक बात का ध्यान, महल में दिखे से इंसान तेरी महल में दिखे से इंसान, कैसे इंसान और महल में तो दिखे से इंसान। इतने टेढ़े कर लिए हो हेरी 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 इतने टेढ़े कर लिए कान बबी टेढ़े कर लिए कान री बबी और मोर की तरिया छोटा देवर विक्रम दिखे तन और की तरिया हेरा फेरी करगी बाबी चोर की तरिया छोटा देवर विक्रम दिखे और की तरिया। तो विक्रमा को पकड़ के हाथ पेला खींचती है तो विक्रमा क्या कहने लगा दूसरी बात में, ओ अरे तुम न पकड़ी बार न खींचे हो बता दे तू किसी पढ़ाई सीखे किसी पढ़ाई सीखे और मन आग चमकती आग चमकती दिखे से लगती तोर की तरी ओ तेरा छोटा देवर विक्रम दिखे और की तरिया हेरा फेरी कर गिरी भाभी चोर की तरिया देवर विक्रम दिखे और की तरिया। और मेरे भाई ने दोस्तों ने बहुत सारा करके एक पुतले को खड़ा कर ये बात पूरी करवा रहे हैं। मैं आपका इनका धन्यवाद चाहता हूं
और आपका भी धन्यवाद चाहता हूँ। फिर तीसरी बात में क्या बताया, क्या बात है? छोटे बड़े दर्दी तबाही भरती हेरी बाबी। हाँ आज तलक तना किसकी दाब नहीं माननी। कैसे देवता, क्या कुछ कहना चाहते हैं? यह सत्य है, चाहता हूँ क्या से ना कि ये छोटे बड़े तो डरती इसी तो सैम तबाही भरती भरती। फिर क्या बताया, क्या बताया? इसी सैम तबाही भरती तेरी खुले मखेर चरती है, तू खुले मखेर चरती है, दौर का दरिया छोटा देवर विक्रम दिखे और की दरिया हेरा फेरी करेगी बापी दौर की दरिया छोटा देवर विक्रम दिखे और की दरिया। आखिरी में गुरु जी ने क्या बताया? ओए होए यार क्या कर रही सहरा फेरी बता दे तू किसने घर में यारी बता दे तू किसने घर में ले ली और मांगे राम रागनी तेरी मांगे राम रागनी तेरी और मोर की करिया तेरा छोटा देवर विक्रम दिखे और की करिया तेरा फेरी छोटा देवर विक्रम दिखे और की तरिया। जहो जहो वाजवा ताड़े दा स्वागत है। मेरे भाई मदन जी ये मलिक स्टूडियो सुन भाई बड़ो ये अपने बहुत ही नामचीन और बहुत ही जोरदार ताली मांगे मेरे भाई साहब बहुत अच्छे कलाकार इनका सम्मान करते हैं एक चद्दर भेंट कर और 500 रुपए देकर उनका सम्मान करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। हमारे दादाजी मांगेराम जी को धोली चद्दर उठा करके सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। बैठ जाओ चिड़िया बैठ जाओ बस।